फैजाबाद जिले के शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में विश्व रक्तदान दिवस पर लोक सेवी सामाजिक संस्था कल्पतरु जीवन फाउंडेशन द्वारा विशाल रक्तदान शिविर व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SP शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि रक्तदान अत्यंत पुण्य का काम है। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। शरीर में दोबारा नया रक्त बन जाता है, जो कि अत्यंत सामान्य प्रक्रिया है। स्वैच्छिक रक्तदान से लोग जानकारी के अभाव में आनाकानी करते हैं, जो ठीक नहीं है और सभी को स्वप्रेरणा से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान का सीधा संबंध जीवन दान से है। संस्थापक राजेश गुप्ता ने सभी रक्तदाताओं का सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। आज समाज सेवी संस्था शिकोहाबाद की कल्पतरु जीवन फाउंडेशन द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया है। ये आज विश्व रक्तदाता दिवस है, तो रक्तदाताओं के सम्मान के लिए आज यह कैंप लगाया जाता है और उनको यहाँ सम्मानित किया जाता है। और चूंकि यहाँ पर अभी भी कुछ महीने पहले ही शिकोहाबाद के में ब्लड बैंक नहीं थी, न ब्लड स्टोरेज यूनिट थी, तो ब्लड स्टोरेज यूनिट यहाँ शुरू हो चुकी है, तो वहाँ पर ब्लड हमेशा उपलब्ध है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो ऑपरेशन होते हैं, उनको ब्लड की आवश्यकता होती है, उसके लिए ब्लड उपलब्ध होता रहे, इसके लिए कल्पतरु जीवन फाउंडेशन समय समय पर यहाँ कैंप लगाता रहेगा, जिससे कि यहाँ के मरीजों को, गरीब बेसहारा लोगों को मुफ्त में ब्लड मिलता रहे। इससे कोई चार्ज भी नहीं लेता अस्पताल और फ्री में ब्लड देता है। और सबको सामाजिक स्तर पर जन जागरूकता होनी चाहिए कि ब्लड लेते हैं तो कम से कम साल में एक बार अपने द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, किसी बच्चे के द्वारा, मित्र के द्वारा रक्तदान अवश्य करवाना चाहिए। क्योंकि रक्त की कोई फैक्ट्री नहीं होती, इसका कोई उत्पादन नहीं होता, मानव द्वारा मानव की ही सेवा की जा सकती है। तो मानव की सेवा के देखते रहिए DB भारती समाचार।